देखिए, एक तोशीबा का लैपटॉप मेरे पास आया था, इसमें एक अजीब सी प्रॉब्लम है। इसका क्या है कि चलते चलते इसकी जो स्क्रीन है वो ब्लू हो जाती है। मैंने इसीलिए ऑन करके रखा हुआ है ताकि मैं ये आपको दिखा सकूं। ये देखिए सीरीज, आप देख सकते हो कि वर्किंग करते करते इसकी स्क्रीन ब्लू हो गई है। और क्या है कि ये अब देखिए, विद इन 30 सेकेंड इट विल बी रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली। ये रिस्टार्ट हो जाएगा अगेन से और ये दोबारा से फिर से वही टाइम लेगा, इतना ही लेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी क्या करना है कि इस लैपटॉप को आपको खोल लेना है, इसको बंद कर लीजिए, पावर बटन इसका दबा के रखना है आपको 2 या 3 सेकेंड के लिए, ये टेम्परेरी शटडाउन हो जाएगा। पावर केबल निकाल देना है, इसको आपको बैक साइड से इसके जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका देखिए ये जो पैनल है ये वाला, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको खोल लेना है आपको। खोलने के बाद इसके नीचे रैम्स हैं, आपको वो रैम साफ करके दोबारा लगा लेनी है, ठीक है। रैम को हमें साफ करने का, जो मैंने आपको पहले बताया है पहली वीडियो में, आप देख सकते हो हमें इरेजर के साथ रैम साफ करनी होती है। उसके बाद आप इसको दोबारा रैम्स को प्लग इन कर दीजिए और चला लीजिए। अगर तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई तो ठीक है, मतलब सपोज अगर ये प्रॉब्लम रैम ठीक करने से, साफ करने से ये प्रॉब्लम जो ब्लू स्क्रीन है वो ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या है कि इसका हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोबारा ही करना पड़ता है, इसकी जो विंडो है वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि एंटीवायरस ओरिजिनल नहीं डालते हैं जिसकी वजह से इसकी विंडो क्रैश हो जाती है। तो प्लीज़ देखिए अब दोबारा हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी जो रैम थी वो दोबारा मैंने साफ़ करके डाल ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, इसका सेम प्रॉब्लम दोबारा आ गई है। तो अभी इसकी मेरे को विंडो ही रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसकी विंडो इंस्टॉल करने से इसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। और इस ब्लू स्क्रीन का कोई और सोल्यूशन नहीं है, या विंडो, ये दो ही चीज़ होती है, या रैम या विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका वो क्रैश हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ देखिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमें इनकरेज करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।